हैम्बर्ग में ब्रिक्स की औपचारिक बैठक से पहले मिले मोदी और चीन के राष्ट्रपति मिलाया हाथ, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। शी जिनपिंग ने बुलाई थी बैठक, पहले इस बात की थी चर्चा। भारत और चीन के रिश्तों में आई कटुता के चलते जिनपिंग और मोदी के बीच नहीं होगी वार्ता। जर्मनी में ब्रिक्स की बैठक में मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा पश्चिमी एशिया में बढ़ा आतंकवाद, इसके खिलाफ एकजुट हो G20 के देश। पीएम ने अफगानिस्तान में आतंकवाद की समस्या को बताया गंभीर संकट, ब्रिक्स की बैठक में मौजूद थे चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी ने GST का किया जिक्र, भारत में 70 सालों का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया, ब्रिक्स से रेटिंग एजेंसी बनाने को भी कहा। प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली, पटना, रांची, पुरी, गुड़गांव समेत 12 ठिकानों पर CBI ने मारे छापे। लालू पर रेल मंत्री रहते 2006 में रेलवे के टेंडर निजी कंपनियों को देने का आरोप, रेलवे के होटल्स का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया था। पटना के सुजाता होटल में छापा, लालू ने 2006 में सुजाता होटल को दिया था रांची और पुरी के बेनार होटल का ठेका। दिल्ली के सरला फार्म हाउस पर भी CBI ने मारा छापा, सतपड़ी विलेज और डिफेंस कॉलोनी में लालू के परिवार के ठिकानों पर भी CBI के छापे। लालू के परिवार के पटना मॉल को लेकर भी विवाद, पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना मॉल का काम शुरू करने का आरोप। CBI ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर दर्ज किया केस, राबड़ी से 8 घंटे तक पूछताछ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से 2 बजे से लगातार पूछताछ जारी। CBI ने सरला गुप्ता, विजय और विनय कोचर, लारा प्रोजेक्ट्स और IRCTC के रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर PK गोयल समेत 8 पर केस दर्ज किया। लालू के कार्यकाल वाले रेल मंत्रालय के दस्तावेज की भी CBI कर रही है जांच, जमीन धांधले से जुड़ा है केस। CBI के अनुसार पहले एक जमीन डिफॉल्टर को दी गई, बाद में लारा प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI के अनुसार डिलाइट कंपनी की मालकिन सरला गुप्ता है, जबकि लारा प्रोजेक्ट्स की मालकिन राबड़ी देवी। CBI छापों पर बोले लालू, नहीं की गई नियमों की अनदेखी, होटल मामले में नहीं है कोई लेना देना, सब कुछ टेंडर के जरिए हुआ। लालू ने कहा जो हुआ सब NDA के कार्यकाल में हुआ, अब रैली घोषित करने पर राजनीतिक साजिश के तहत मुझे किया जा रहा है परेशान। लालू बोले दबाव में झुकने वाला नहीं, 2019 में PM मोदी को हटा कर लूंगा दम। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, देखिए हम भाजपा को नरेंद्र मोदी को हटा के दम नहीं। 11 घोटाले में पेशी पर रांची पहुंचे थे लालू, राजकीय अतिथि आवास में ठहरे। लालू के ठिकानों पर छापे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नीतीश पर तंज, बोले अब सुशासन बाबू को तय करना है किसके साथ रहना है। RJD नेता शक्ति यादव ने CBI छापे पर उठाए सवाल, बोले नहीं टाली जाएगी प्रस्तावित रैली, जेल भेजे गए लालू तो जेल के बाहर होगी सभा। मोदी जी के इशारे पर जिस चुकी है विभाग उनके पास है, और यह विभाग अगर इन्वेस्टिगेट एजेंसी है तो विरोधी फसाव एजेंसी के रूप में काम कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में गुरुवार को फिर भड़की हिंसा, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल हिंसा पर स्थिति का जायजा लेने रूपा गांगुली की अगुवाई में BJP की लोकल यूनिट, लेकिन रूपा गांगुली को कोलकाता एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने लेफ्ट नेताओं को भी बशीरहाट जाने से रोका, ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच सके CPM नेता मोहम्मद सलीम। कांग्रेस नेताओं को भी पुलिस ने बशीरहाट में ग्राउंड जीरो पर जाने से रोका, जमकर हुई नारेबाजी। केशरीनाथ त्रिपाठी के समर्थन में आए त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ममता से जवाब मांगने का पूरा अधिकार। बशीरहाट में हिंसा पर DMC विधायक दीपेंदु विश्वास से खफा ममता, छीना DMC जिला अध्यक्ष का पद। जम्मू कश्मीर विधानसभा में GST पर हंगामा, कांग्रेस और लेफ्ट ने किया वॉकआउट, GST को बताया टैक्स टेररिज्म,
कहा कुर्सी बचाने का है करार। बीजेपी की पक्षधरता के आरोप में घिरी पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दी सफाई, बोली ये वक्त आरोप प्रत्यारोप के बजाय पुदुचेरी के विकास पर जोर देने का। फिर हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, फडणवीस के सवार होने से पहले उड़ गया उड़न खटोला। मध्य प्रदेश की मंडियों में सड़ती प्याज राजस्व घाटे के साथ बीमारी की वजह बनी, बद इंतजामी से लाखों टन प्याज सड़ी, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में डीएम अमजद टाक की कुर्सी पर विधायक अजय दत्त के बैठने का मुद्दा गरमाया, मामला विधानसभा की विशेषाधिकार समिति तक पहुंचा, 15 दिन में मांगा गया जवाब। अजय टाक के अनुसार एक बैठक के दौरान बिना न्योते के पहुंचे विधायक अजय दत्त उनकी कुर्सी पर बैठ गए, उठाने पर पैर मारकर गिराई कुर्सी, बाद में केस नहीं दर्ज कराने का किया आग्रह। लोकायुक्त ने शुरू की केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर सुनवाई, लेकिन अदालत नहीं पहुंचे कपिल मिश्रा, उनके वकील ने दिया पारिवारिक वजह का हवाला। कपिल ने भ्रष्टाचार के आरोप पर लोकायुक्त को सौंपा 16,000 पन्नों का दस्तावेज, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेज से लोकायुक्त खफा। सुस्त कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री योगी कांटर, 50 साल की उम्र में ही कर दिए जाएंगे रिटायर। गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सिलीगुड़ी में निकाली रैली, बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चों ने लिया हिस्सा। कोयम्बटूर में एनआईए ने युवा जोड़ों को किया गिरफ्तार, बोडो उग्रवादी होने का शक। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में बेहद दर्दनाक हादसा, 4 मंजिला इमारत में आग, 4 लोग जिंदा जले। बीती रात 3 बजे लगी आग, पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक। मुंबई में एक छात्रा को 3 लोगों ने कार में किया अगवा, सुनसान इलाके में ले जाकर किया रेप, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान की बीकानेर में पटाखा फेंकने में आग, धमाके से ढह गई इमारत, 2 की मौत, बड़ी तादाद में लोग घायल। मुंबई के बांद्रा में फटी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, सड़क पर सैलाब का मंजर। इंदौर पुलिस ने मूक बधिर संस्थान से लापता गीता को मंदिर से ढूंढ निकाला, पाकिस्तान से लाई गई गीता संस्थान से नाराज। रायसेन पुलिस ने जालसाज को दबोचा, जाली दस्तावेज के जरिए किराए पर ट्रक लेकर कर रहा था फर्जीवाड़ा। दिल्ली के द्वारका में सड़क पर जलकर खाक हुई कार, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। बिजनौर पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 8 बाइक और 2 स्कूटर बरामद। झारखंड के लोहरदगा में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। यहां से पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या केस में एक नौकर समेत 2 को गिरफ्तार किया, लूट के इरादे से हत्या। अलवर में बैंक शाखा से चोर ने कैशियर के पीछे रखे 5,00,000 रुपए उड़ाए, सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के फरीदाबाद में अस्पताल में पर्स छीनकर भाग रहे युवक को महिला ने दबोचा, बाद में लोगों ने पुलिस को सौंपा। मॉडल सोनिका चौहान की गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभिनेता विक्रम चटर्जी गिरफ्तार। सड़क हादसे में हुई थी मॉडल सोनिका की मौत, विक्रम पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। पंजाब के फरीदकोट में जमीन विवाद में चली गोली, एक राहगीर गंभीर रूप से घायल। असम के 15 जिलों में बाढ़ का कहर, उफान पर ब्रह्मपुत्र और बोकू नदी। मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बाद पानी भरा, पानी की निकासी नहीं होने पर सड़कों पर बाढ़ का मंजर। दिल्ली के किराड़ी में डीडीए ग्राउंड में महिला की मिली लाश, हत्या के एंगल से पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली कैंट में कर्नल की बीएमडब्ल्यू कार लूटने की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों के पैर से भाग निकला बदमाश। दिल्ली में नकली सिक्के बनाने वाले सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार, टोल बूथ मॉल छोटी दुकानों में की जाती थी सप्लाई। दिल्ली के मादीपुर में 2 ट्रक तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए, 4 किलो कोकीन जब्त। दिल्ली के छतरपुर मंदिर प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मंदिर प्रशासन पर तनख्वाह नहीं देने और सड़ा गला फसाद परोसने का आरोप। पश्चिम दिल्ली में गुरुवार को बारिश से लोगों को राहत, गर्मी के बीच मौसम हुआ सुहावना। असम में बाढ़ का तांडव, 14 जिले प्रभावित, 177 राहत शिविर लगाए गए। गोड्डा में उफान पर घाघरा नदी, 72 गांवों में बाढ़ का खतरा।
घाघरा में उफान के बाद बाराबंकी के 150 गांवों में बाढ़ का संकट। नेपाल में छोड़ा गया सवा लाख क्यूसेक पानी। उत्तराखंड के चंपावत में कई दिनों से लगातार बारिश। नेशनल हाईवे जगह जगह बंद। डीएम ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए। चमोली में गाय को बचाने के लिए 24 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों के बीच फंस गई थी गाय। हल्द्वानी में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। गोला बैराज के 6 गेट खोले गए। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से सड़कें बदहाल। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। नैनीताल की सूखती नैनी झील को मिली राहत। अच्छी बारिश से लौटी रौनक। बिहार के सुपौल में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कोसी में जलस्तर बढ़ने से डरे लोग। कानपुर में मूसलाधार बारिश से ढह गया मकान। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग में बेकाबू कार अलकनंदा नदी में गिरी। सेना के जवानों ने 3 लोगों को बचाया। बाकी 3 की तलाश जारी। केदारनाथ यात्रा पर कसा मौसम का शिकंजा। बारिश के चलते नदादरद रह गए भोले के भक्त। पिछले 3 महीने में केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या का बना था रिकॉर्ड। 371,000 श्रद्धालुओं ने किए थे दर्शन, लेकिन बारिश से घट गई तादाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर से भेजे जा रहे हैं पत्थर। जोर शोर से नक्काशी का काम जारी। बेंगलुरु में मेट्रो कर्मचारियों के प्रदर्शन से मेट्रो सेवा बाधित। एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। गुजरात में किसान आंदोलन तेज। कर्ज माफी के लिए अहमदाबाद में गांधीनगर आश्रम से गांधीनगर तक निकाली गई रैली। देवघर के श्रावणी मेले में सुरक्षा इंतजाम सख्त। एटीएस दस्ता है चौकन्ना। आतंकी वारदात से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। जम्मू में दुर्गा वाहिनी ट्रेनिंग कैंप में लड़कियां सीख रही हैं आतंकवादी हमले से निपटने के गुर। ज्यादातर सीमा से सटे इलाकों की लड़कियां। दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्र में लड़कियों को लाठी डंडों के साथ हथियार चलाने का दिया गया प्रशिक्षण। लगाए सधे हुए लड़कियों ने निशाने। दक्षिण अफ्रीका खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की बेहतरीन बल्लेबाजी। 9 विकेट खोकर 450 के करीब। अपनी कप्तानी के पहले टेस्ट में दोहरे शतक से चूके जो रूट 190 पर आउट। मोइन अली भी शतक से चूके 87 पर आउट। डिकविला और गुण तिलके के शानदार शतकों से श्रीलंका ने जिम्बाब्वे से जीता तीसरा वनडे। 16 गेंद रहते 311 का टारगेट पार किया। विंबलडन में भारत की दोहरी कामयाबी। रोहन बोपन्ना लियंडर पेस अपने अपने डबल्स मैच में जीतकर दूसरे दौर में। विंबलडन पुरुष सिंगल्स में फेडरर जोकोविच थियम राओनिक ने बाधा दूसरी बाधा पार की। महिला सिंगल्स में थर्ड सीड प्लिट्सकोवा की सनसनीखेज हार। जर्मनी के हैमबर्ग में G20 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। विश्व शांति में G20 की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। पोलैंड के राष्ट्रपति की पत्नी ने हाथ मिलाते हुए किया नजरअंदाज। जापान में बाढ़ से 3 लोगों की मौत। 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।